नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग? तो भी हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे, उसका ये क्वेश्चन मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ और ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो भी ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और ये जो सीरीज है क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो भी आज का क्वेश्चन है बड़ा इजी सा, देखना भी क्या कहा कि 10x/2 = 10y/3 = 10 एंड x + y + z = 5, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी 10 square x। तो आपको भाई जब भी ये बात पता चले ना कि x + y + z = 5, ठीक है, ये मैं आपको ट्रिगोमेट्री में बताऊंगा। तो अगर ऐसा होता तो 10x + 10y + 10z इसके इक्वल टू आता है 10x 10y और इनटू 10z, ठीक है। इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे आता है। जब भी x + y + z यानी तीनों एंगल का सम पाई के इक्वल है तो 10x + 10y + 10z कितना आता है, 10x (10y)(10z। अब ध्यान से देखना भैया, जो 10x/2 है 10y/2 है 10, ये इसके सबके इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि क्या रहा होगा, k में वैल्यू मान लेता हूँ, कुछ भी k लिख लेता हूँ। तो मतलब ये तीनों के इक्वल टू क्या, यानी 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2k आ गई, और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो बोलना 10y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, वो आ गई 3k, और सेम इसी तरीके से 10z की वैल्यू कितनी आ गई, 5k आ गई। वैल्यू मैं उठा के इस वाले में डाल देता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हो ना इसमें मैंने वैल्यू डाल दी, 10x, 2k, 10y, 3k और 5k सब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी टोटल 10k इक्वल टू, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 × 30 कितना आ जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा बताना जरा, ये बन जाएगा 30k³। बोलो जरा बना कि नहीं बना, ये बात आई समझ मैंने क्या कहा। देखो सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना जैसे, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से के 2k, 3k और 5k मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 और 30 आ गया, फिर के 3 बार हो तो k³ आ गया, के से के कैंसिल हो गया 1k, यानी यहाँ पे कितना बचा भाई, सिर्फ स्क्वायर बच गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो k स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई ना भाई, वो कितने निकल कर आ गई, वो आ गई 1/3। ये बात किस किस को नहीं समझ आई कि यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। आपसे क्या पूछा था भाई, आपसे पूछा था कि आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ 10 square x, और ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना ये बताओ। तो भाई मैं रखता हूँ, देखें मुझे एक बात ना, 10x की वैल्यू अभी आपके पास कितनी थी, 2k थी, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ इस वाले की, तो 10x² यानी 10x की वैल्यू ऊपर देखो आपके पास आई है ना, 10x की वैल्यू लिखी हुई तो है, ये रही 10x की वैल्यू 2k और 10y की 3k और 10z की 5k है, तो इनका स्क्वायर चाहिए आपको, ये स्क्वायर ही तो है। तो 10x का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 2k का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4k² प्लस इधर कितना आ गया भाई y, ये कितना आ गया बताना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3k यानी 9k² और प्लस ये कितना आ गया भाई, z की वैल्यू कितनी आ गई, 25k². तो इसको जैसे मैं लिखूंगा तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 29 और 9 कितना आ गया, 38k², यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू 1/3 कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 38/3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आप लोगों का क्या था इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी सा था, बस आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ आना चाहिए था कि अगर x + y + z = π है तो यहाँ पे 10x + 10y + 10z कितना होता है, 10x 10y 10z, ये डायरेक्ट सा एक फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, बड़ा आसान से आपका आंसर आ गया। तो भी उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब आपके नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास क्वेश्चन है और भाई बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, खूबसूरत मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है जिसका आपको वॉल्यूम बताना, ये एक्चुअल में आपके पास जो है ना सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हाफ ऐसे कट कर दिया उसको, उसका आपसे वॉल्यूम पूछा है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें जियोमेट्री का बहुत अच्छे से यूज हुआ है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और फिर इसका आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर बताएं। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।